आज की इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं डाइड मधेपुरा में डीएलएड के लिए आप अप्लाई किए थे, तो अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरह अपना नाम सेकंड लिस्ट में चेक कर पाएंगे। सेकंड द्वितीय काउंसलिंग की तिथि और मेगा सूची दोनों जारी कर दिया गया है डाइड मधेपुरा के, और पीटीसी सुखासन में दोनों का जारी कर दिया। अगर पीटीसी सुखासन के बारे में जानकारी चाहिए तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से पीटीसी सुखासन के बारे में जान लेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरह आप डाइड मधेपुरा के लिए डाइड मधेपुरा में किस तरह आप चेक कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे कि आपका द्वितीय में हुआ या ना हुआ। तो चलिए, उसके लिए लिंक आपको इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस वेबसाइट पे जैसे आएंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको इस वेबसाइट का देखने को मिलेगा। सिंपली से आपको मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सबसे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं रिजल्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज भी चल रही है, यहाँ पे भी यहाँ बताया गया है। तो चलिए हमें रिजल्ट पे जाना है। जैसे हम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ द्वितीय नामांकन सूची यहाँ पे दिया गया है और इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। तो उसके बाद यहाँ आ जाना, यहाँ इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए सिंपली इस पे क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक न्यू नोटिस आ जाएगा जहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए ये आर्ट का हो गया, आर्ट उर्दू का हो गया, ठीक है। उर्दू में 73% तक जो अभ्यर्थी था उसका सिलेक्शन किया गया है, और यहाँ भी बताया गया समान वर्ग के जो विद्यार्थी थे उसको 70% तक लिया गया है। किस जाति को कितने परसेंट तक सेकंड लिस्ट में लिया गया है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर इतना परसेंट के बीच में आपका परसेंट आता है तो आप अपने कॉलेज डाइड मधेपुरा में जाके आप एडमिशन ऑफलाइन ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे साइंस का भी दिया गया है, ठीक है, इसमें कितना परसेंट लिया गया वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सब देख लेना, आपका परसेंट इसके अंदर आता है तो आप ऑफलाइन जाना है आपको डाइड मधेपुरा कॉलेज में, वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। और कागजात की बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया नामांकन है तो आवश्यक निर्देश एवं कागजात के लिए क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत यहाँ आपको जानकारी मिल जाएंगे क्या क्या लगेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप जो अप्लाई करते हो 100 रुपए के चलान कटवाए थे वो चलान भी आपको लगाएगा, वो चलान भी आपको देना होगा। अगर चलान आपका खो गया है तो किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे उसके लिए भी हम बता देते हैं। तो चलिए SBI के ऑनलाइन SBI पे चलते हैं। चलान आप काटे थे, चलान आपका खो गया, किस तरह चलान आप फिर से प्रिंट कर पाएंगे आपके, इसके लिए आपको वेबसाइट पे आना होगा SBI की इस वेबसाइट से जहाँ से आप चलान करते। इसका भी लिंक हम आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे आएंगे आपको बहुत सारे मेन्यू मिल जाएंगे। सबसे पहला मेन्यू यहाँ आपको मिलेंगे SBI कॉलेट, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे लगा कर और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपको देख लीजिए SBI कॉलेट पे जैसे आप अपने तीर को लेके जाएंगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। स्टेट बैंक कॉलेट यहाँ पे रिप्रिंट है, रिप्रिंट पे क्लिक करेंगे, रिप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रिफरेंस अगर आपके पास नंबर है चलान का वो चलान नंबर से, अगर आपके पास चलान नंबर नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर से आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ से करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर और किस तारीख के बीच में आपको सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिलअप करने के बाद नीचे पे गो पे क्लिक करना है, और गो पे यहाँ पे देखिए एक इमेज बोल रहा है, ये इमेज जो है आप दे देंगे, सभी का इमेज अलग अलग रहेगा। उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने आ जाएगा तो उसको आप प्रिंट कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ आप
व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल पे हमारे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको लेटेस्ट जॉब वगैरह की जानकारी आपको सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे भी मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।